lecture is mostly related to COVID-19 situation. Okay, government ने क्या steps लिए हैं, क्या क्या आगे की योजना है government की related to COVID-19, उसके बारे में हम बात करेंगे. ओके, सो फर्स्ट न्यूज फॉर यू इज दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड कोविड इंडिया सेवा. ओके, द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ओके, जिसके यूनियन मिनिस्टर है डॉक्टर हर्षवर्धन, हैज लॉन्च्ड द कोविड इंडिया सेवा, एन इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म टू एस्टेब्लिश अ डायरेक्ट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक, ताकि आप सीधे सीधे गवर्नमेंट को सुझाव दे सके कि भाई हमें ये करना चाहिए. इस आइडिया से हमारे जो लॉकडाउन के दौरान या लॉकडाउन के बाद की जो डे टू डे लाइफ है, ओके, जो डे टू डे टास्क है वो इजी हो सके. ओके, इट इज अ ट्विटर सेवा सॉल्यूशन. ओके, सो वाया ट्विटर ये कैंपेन लॉन्च किया गया है, वेयर पीपल कैन रेज देयर क्वेरीज एट कोविड इंडिया सेवा, इनेबलिंग ट्रांसपेरेंट ई गवर्नेंस. ओके, सो जो कोविड-19 की वजह से जो सारी गवर्नेंस के रिलेटेड जो इश्यूज फेस हो रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट को भी एंड सिटीजन्स को भी, तो उसको कैसे सुलझाया जा सके. ओके, सो उसके लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है. ओके, मान लीजिए कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई बिल भरना है, बट आप वो बिल भरने अभी तो जा नहीं सकते क्योंकि सारे जो बिल सेंटर्स है वो कोविड-19 की वजह से बंद है. यू कैन रेज योर क्वेरी टू दिस प्लेटफॉर्म, ओके, अंडर @ कोविड इंडिया सेवा, एंड गवर्नमेंट विल रिस्पॉन्ड यू. द कोविड इंडिया सेवा वर्क्स ऑफ एज अ डैशबोर्ड एट द बैक एंड दैट हेल्प्स प्रोसेस लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्वीट्स, कन्वर्ट्स देम इनटू रिजॉल्वेबल टिकट्स, एंड असाइन देम टू रिलेवेंट अथॉरिटी फॉर रियल टाइम रिजोल्यूशन. ओके, मान लीजिए आपका कोई ऑनलाइन फॉर्म अटका पड़ा है या ऑनलाइन कोई काम अटका पड़ा है, तो उसको अंडर दिस प्लेटफॉर्म एक टिकट रेस किया जाएगा. टिकट इज जस्ट अ रिक्वेस्ट नंबर, वो रेस किया जाएगा, एंड दैट रिक्वेस्ट नंबर इज असाइंड टू द कंसर्न्ड अथॉरिटी. दैट कंसर्न्ड अथॉरिटी विल एक्ट ऑन इट एंड दे विल प्रोवाइड यू द रियल टाइम सॉल्यूशन. ओके, ट्रेन्ड एक्सपर्ट्स विल शेयर अथॉरिटेटिव पब्लिक हेल्थ इंफॉर्मेशन स्विफ्टली टू स्केल, हेल्पिंग टू बिल्ड अ डायरेक्ट चैनल फॉर कम्युनिकेशंस विथ सिटीजन्स. ओके, द डेडिकेटेड अकाउंट विल बी एक्सेसिबल टू पीपल बी इट लोकल और नेशनल इन देयर स्कोप. ओके, तो चाहे आप लोकल लेवल की या नेशनल लेवल की कोई भी अगर आपको ज़रूरत है तो वो इस माध्यम से पूरी की जाएगी. ओके, नेक्स्ट इज सेप्सिवेक टू बी टेस्टेड फॉर कोविड-19. ओके, तो ये एक नया ड्रग है जिसको ट्रायल बेसिस पे कोविड-19 के अगेंस्ट यूज किया जाएगा. ओके, द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च वी नोन एज एज CSIR, ओके, काफ़ी रेप्यूटेड एजेंसी है, ओके, जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के लिए काम करती है. सो द CSIR हैज डिसाइडेड टू टेस्ट इट्स न्यू ड्रग अगेंस्ट सेप्सिस. ओके, सो जो सेप्सिस का ड्रग है उसको ट्राई किया जाएगा उन क्रिटिकल पेशेंट्स ऑफ कोविड-19, और उसको नाम क्या दिया गया है, सेप्सिवैक. ओके, सेप्सिवैक इज द नेम गिवन टू दिस न्यू वैक्सीन, और उसको यूज किया जाएगा टू ट्रीट द क्रिटिकल पेशेंट्स ऑफ कोविड-19. द ड्रग विल बी टेस्टेड इन 50 कोविड-19 पेशेंट्स एट द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इन दिल्ली, दैट इज एम्स दिल्ली एंड भोपाल, एंड पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़. ओके, तो ये तीन इंस्टीट्यूट्स में, देखिए, एम्स दिल्ली, भोपाल एंड पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़, ये तीन जगहों पे सेप्सिवेक को ट्रायल बेसिस पे इस्तेमाल किया जाएगा. नाउ व्हाट इज CSIR? सो CSIR वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सितंबर 1942 एज एन ऑटोनोमस बॉडी. ओके, ऑटोनोमस बॉडी का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट का कोई उसमें इंटरफेरेंस नहीं होगा. इट इज नोन फॉर इट्स कटिंग एज आर एन डी टेक्नोलॉजी बेस्ड इन डिवर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल एरियाज. ओके,
Council of Scientific and Industrial Research has been ranked first in the Nature Ranking Index 2020. ओके, इसके बारे में अभी और लेक्चर्स में हम डिटेल में बात करेंगे. व्हाट इज नेचर रैंकिंग इंडेक्स 2020. द नेचर इंडेक्स प्रोवाइड्स अ क्लोज टू रियल टाइम प्रॉक्सी ऑफ हाई क्वालिटी रिसर्च आउटपुट एंड कोलैबोरेशन एट द इंस्टीट्यूशनल, नेशनल एंड रीजनल लेवल. ओके, सो जो रिसर्च किए जाते हैं वो रियल टाइम में कितने वैल्यूएबल है, उसके जो आउटपुट्स है वो रियल टाइम में कितने वैल्यूएबल है, उसके रिलेटेड ये एक रैंकिंग होती है. और जिसमें पहला नंबर मिला है 2020 में किसको, CSIR को. तो उसके रिसर्च जो है वो कितने ट्रूथफुल होंगे, ओके, कितने इफेक्टिव होंगे वो आप यहाँ से पता कर सकते हैं. ओके, ग्राम नेगेटिव सेप्सिस एंड COVID-19. नाउ सेप्सिस इज अ सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन कॉज्ड व्हेन द बॉडीज रिस्पॉन्स टू एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन गोज आउट ऑफ बैलेंस, ट्रिगरिंग चेंजेस दैट कैन बी लीड टू मल्टी ऑर्गन फेलियर. ठीक है ना, जब धीरे धीरे आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है. ओके, और क्यों रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है, क्योंकि जो आपका कोई एक हिस्से में अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है और वो बाकी हिस्सों को लगता है, तो सारे इन्फेक्शन की वजह से सारे आपके जो इंटरनल या एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स अपना जो फंक्शन है वो काम करना बंद कर देंगे, वो फंक्शनल नहीं रहेंगे, और इसकी वजह से आपकी बॉडी का जो बैलेंस है, इंटरनल बैलेंस, वो बिगड़ जाएगा. ओके, जब काम नहीं होगा बॉडी का, जो काम सौंपा गया है जिस ऑर्गन को, वो नहीं करेगा तो वो इनबैलेंस हो जाएगा. ओके, दैट्स वाई वो मल्टी ऑर्गन फेलियर की तरफ जाएगा. और मल्टी ऑर्गन फेलियर जब होगा तब ये लाइफ सेविंग ड्रग दिया जाता है. ओके, सो ग्राम नेगेटिव बैक्टेरिया, ओके, ग्राम नेगेटिव बैक्टेरिया में प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन दी ब्लड स्ट्रीम इन दी क्रिटिकली इल पेशेंट इज सिनोनिम्स विद ग्राम नेगेटिव सेप्सिस. ओके, नाउ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया have built-in abilities to find new ways to be resistant and can pass along genetic materials that allow other bacteria to become drug resistant as well. So, ye uska kaam hai. That is why usko use kiya ja raha hai against the fight of COVID-19. According to scientists, there are some clinical similarities between patients suffering from gram-negative sepsis, okay, jab multi-organ failure hota hai, and COVID-19. So, similarity hai, and that's why on trial basis, Sepsevic will be used as a trial drug. A COVID-19 infection leads to a psychotin storm quite similar to one seen in sepsis when there is a heightened immune response and overproduction of immune cells, because of which the body starts attacking its own cells. There is inflammation and it reduces the lungs' capacity to absorb oxygen. Okay? चलिए, तो आई होप दैट फर्स्ट टॉपिक इज क्लियर. कि और जस्ट आपको ये नाम याद रखना है कि भाई सेप्सिवेक को यूज किया जाएगा अगेंस्ट द फाइट ऑफ COVID-19 ऑन ट्रायल बेसिस. ओके, नाउ नेक्स्ट इज फूड क्राइसिस एमिड COVID-19. देखिए, मैंने पिछले कुछ लेक्चर्स में ये बात आपको बताई थी कि जो माइग्रेंट इश्यू जो है उसकी वजह से हमारा फूड क्राइसिस धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है. और ये जो सीजन है, जो हार्वेस्टिंग का जो सीजन है, ओके, तो उस और एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा ठीक से काम नहीं कर पा रहा है. अगर वो ठीक से काम नहीं करेगा तो आने वाले टाइम में फूड क्राइसिस और वर्स्ट कंडीशन पे पहुंच जाएगा. ओके, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम दैट इज नोन एज WFP, द नंबर ऑफ पीपल फेसिंग एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी कुड नियरली डबल टू 265 मिलियन इन 2020 ड्यू टू द इकोनॉमिक फॉल आउट ऑफ COVID-19. ठीक है, काफ़ी लोगों की जॉब्स चली गई है, काफ़ी लोग अपने घर से दूर है. ओके, तो अफ्रीका या एशियन जो कंट्रीज है वहाँ पे ये हालात आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे. और 2020 में ये नंबर से वो कहाँ तक इंक्रीज हो जाएंगे, 265 मिलियन. Acute food insecurity is a manifestation of food insecurity at a specific point of a time of a severity that threatens lives, livelihoods, or both, regardless of causes, context, or duration. Okay, देखिए, ना हमको cause पता है, ना context पता है, ना duration पता है कि कहाँ तक ये situation चलने वाली. Okay, but ये पता है कि भाई इन लोगों को खाना नहीं मिल रहा है. Okay,
काफ़ी सारे एनजीओज है, काफ़ी सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है, काफ़ी सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, दे आर मेकिंग श्योर कि कोई भूखा ना रहे। और इसी की वजह से लोग 10,000, एक एरिया में 10,000 15,000 लोगों को फ्री फूड दिया जा रहा है, ओके, ताकि कोई माल न्यूट्रिशन का शिकार ना बने, ओके ना। व्हाट इज यूए यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इज द लीडिंग ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन सेविंग लाइव्स एंड चेंजिंग लाइव्स, डिलीवरिंग फूड असिस्टेंस इन इमरजेंसीज एंड वर्किंग विद कम्युनिटीज टू इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड बिल्ड रेजिलियंस, ओके। तो यही फूड प्रोग्राम का काम है कि भाई दुनिया के हर किसी बंदे को, हर किसी इंसान को, हर किसी ह्यूमन को जो बेसिक नेसेसिटी है फूड, वो विदाउट एनी ट्रबल मिलनी चाहिए, ओके। द WFP वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1963 बाई द FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, तो तब से ये चला आ रहा है, ओके। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2020 क्या कह रहा है? दैट दिस रिपोर्ट वॉज हाईलाइटेड टू शो लिंक्स बिटवीन कॉन्फ्लिक्ट एंड राइजिंग लेवल्स ऑफ एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी। 135 मिलियन पीपल इन 55 कंट्रीज एक्सपीरियंस एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी इन 2019, नियरली 60% ऑफ हुम लिव्ड इन कॉन्फ्लिक्ट और इंस्टेबिलिटी, ओके। तो 2019 में ये नंबर क्या थे? 135, और 2020 में ये नंबर क्या हो रहे हैं? 265, ओके, 265 मिलियन। येमेन विल सी द वर्ल्ड्स वर्स्ट फूड एंड मालन्यूट्रिशन क्राइसिस इन 2020। देखिए, येमेन पॉलिटिकली भी काफ़ी इनस्टेबल प्रिपेयर करता है, जो फूड क्राइसिस के ऊपर जो रिपोर्ट है प्रिपेयर्ड बाय ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस एंड इंटरनेशनल अलायंस वर्किंग टू एड्रेस द रूट कॉज ऑफ एक्सट्रीम हंगर। और COVID-19 की इफेक्ट क्या पड़ रही है वो हम डे टू डे हमारे न्यूज़ पे, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, ओके। एन एडिशनल 130 मिलियन, ओके, जस्ट डबल टू दिस एंड दैट्स व्हाई द नंबर इज 265 मिलियन। एन एडिशनल 130 मिलियन आर ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन प्रॉम्प्टेड बाय कोरोना वायरस, ओके, क्योंकि उनकी नौकरियां बंद हो गई है। हो सकता है कि COVID-19 के बाद भी उन्हें नौकरियां ना मिले, क्योंकि जो इकोनॉमी है वो इतनी जल्दी ट्रैक पे नहीं आने वाली है, ओके। सो दे आर फोर्स्ड टू गेट इन टू दी स्टारवेशन प्रॉम्प्टेड बाई कोरोना वायरस। एडेड विद 135 मिलियन द नंबर राइजेस टू 265 मिलियन इन 2020 ग्लोबली। और रीजन क्या है इसके? द इम्पैक्ट ऑफ लॉस्ट टूरिज्म रेवेन्यूज, फॉलिंग रेमिटेंसिस, अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, शट डाउन ऑफ मैनी फैक्ट्रीज एंड ट्रैवल एंड अदर रेस्ट्रिक्शन लिंक्ड टू दी कोरोना वायरस पेंडेमिक, ओके। तो हर सेक्टर में हर किसी को इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पड़ेगा, ओके। जो एकदम गरीब इंसान है उसको पहले से दिक्कत हो रही है, जो मिडिल क्लास इंसान होगा उसको 2 महीने या 3 महीने बाद इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, ओके। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक फॉर यू इज इंडियाज स्टेप इन इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी। वो इंडिया, देखिए इंडिया काफ़ी काफ़ी लोगों ने ग्लोबली अप्रिशिएट किया है इंडिया के जो एफर्ट्स है अगेंस्ट COVID-19, ओके। सो द यूनियन एग्रीकल्चरल मिनिस्टर पार्टिसिपेटेड इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्चुअल मीटिंग ऑफ G20 एग्रीकल्चरल मिनिस्टर्स टू एड्रेस द इश्यूज ऑफ COVID-19 इम्पैक्ट्स ऑन फूड सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड न्यूट्रिशन, ओके। द G20 एग्रीकल्चरल मिनिस्टर्स वर्चुअल मीटिंग वॉज ऑर्गेनाइज थ्रू अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बाई द साउदी प्रेसिडेंसी। आपको, हम सबको पता है कि इस बार जो G20 का जो प्रेसिडेंसी है वो सऊदी अरेबिया के पास है और रियाद में होने वाला था, बट नाउ इट इज़ नॉट श्योर कि नवंबर में ये मीटिंग G20 की समिट होगी या नहीं होगी। देखिए, क्योंकि अभी तो लग रहा है कि आने वाले और 3-4 महीने तक ये जो COVID-19 वाला जो इश्यू है वो हटने वाला नहीं है, ओके। द G20 नेशंस रिजॉल्व टू हैव इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन द बैकड्रॉप ऑफ COVID-19 पेंडेमिक टू अवॉइड फूड वेस्टेजेस एंड लॉसेस, मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ द फूड सप्लाई वैल्यू चेन अक्रॉस बॉर्डर्स। अगर मान लीजिए कि कोई एक पल्स अगर किसी G20 के दूसरे देश में जाता है, तो यहाँ पे अश्योर किया गया कि कहीं पे भी किसी सप्लाई रोकी नहीं जाएगी, ताकि ओवरऑल सप्लाई चेन में कोई फर्क ना पड़े। अगर एक देश सप्लाई रोकता है तो वो देश भी सप्लाई रोकेगा, तीसरा देश भी सप्लाई रोकेगा। ऐसे करने से हर देश को दिक्कत हो जाएगी और पूरा सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाएगा, और एट दी एंड जो कॉमन पीपल है, जो कॉमन पब्लिक है, वो स्टारवेशन की तरफ जाएगी, और ऐसा ना हो इसको यहाँ पे इंश्योर किया गया है, ओके।
to maintain the continuity of the food supply value chain across the borders. They also resolved to work together for food security and nutrition, share best practices and lessons learned, promote research, responsible investments, innovations and reforms that will improve the sustainability and resilience of agriculture and food systems. Agreed to develop science-based international guidelines on stricter safety and hygienic measures for zoonosis control. Okay, the government of India has exempted all agricultural operations during the lockdown period and ensured continued availability of essential agriculture products and supply while adhering to protocol of social distancing, health and hygiene. तो हमने पिछले वीडियोस में भी देखा है कि गवर्नमेंट ने सारे जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो सेक्टर है ओके डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनको छूट दे दी है एमिड लॉकडाउन ओके बट वहाँ पे ये कंडीशन रखी गई है कि भाई आपको सोशल डिस्टेंसिंग हेल्थ एंड हाइजीन का पालन करना है ओके चलिए नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का एक रिजोल्यूशन है ऑन COVID-19 Recently, the United Nations General Assembly has adopted a resolution calling for a global cooperation to ensure equitable and fair access to medicines, vaccines, and medical equipment for all nations to battle the COVID-19 pandemic. देखिए आपको पता होगा कि इंडिया वर्ल्ड लीडर की पोजीशन में आज खड़ा है. इटली, रशिया, ब्राज़ील, यूएसए और इंडिया के सारे नेबरिंग कंट्रीज जिनके पास हाइड्रोक्लोरोक्विन नाम की दवाई नहीं थी ओके तो इंडिया हैज अनश्योर्ड कि इन सारे कंट्रीज़ को उनको जितना भी वॉल्यूम चाहिए इस दवा का इस मेडिसिन का वो मिले इंडिया अगर चाहता तो ये सप्लाई रोक सकता था ओके यूएसए ने तो हमको थ्रेटन भी किया था कि अगर इंडिया हाइड्रोक्लोरोक्विन का सप्लाई रोकता है तो उसको consequences भुगतने पड़ेंगे बट ड्यू टू दिस काइंड ऑफ threats, इंडिया हैज प्रोवाइडेड ऑल द रिक्वायर्ड सप्लाई ओके ऑन ह्यूमैनिटेरियन बेसिस टू ऑल द कंट्रीज ओके और इसकी काफ़ी ग्लोबल लेवल पे हमारे जो लीडर्स हैं हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी पॉलिसी की काफ़ी प्रेज भी उनको मिला है द UNGA रिजोल्यूशन विच इज ड्राफ्टेड बाई मैक्सिको वॉज अडोप्टेड थ्रू कंसेंसस तो ये जो था कि भाई हर किसी कंट्री को इक्विटेबल एंड फेयर जो भी मेडिसिन और वैक्सीन है या मेडिकल इक्विपमेंट है वो मिलना चाहिए जो अगर वो COVID-19 से रिलेटेड है तो चाहे भी कितनी दुश्मनी हो चाहे भी कैसे रिलेशन हो बट यहाँ पे सारे कंट्रीज को एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा और इसको कंसेंस करके यूनैनिमसली सब ने इसको एक्सेप्ट किया है और क्या था ये रिजोल्यूशन प्रिवेंट एनी अनड्यू स्टॉकपाइलिंग ऑफ एसेंशियल मेडिकल सप्लाई अगर कोई मेडिकल सप्लाई का बाकी है जो सप्लाई करना है ओके अनड्यू है तो उसको रोका जाएगा ओके रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड इफेक्टिव मल्टीलेटरलिज्म टू एंश्योर दैट ऑल स्टेट्स हैव इन प्लेस इफेक्टिव नेशनल प्रोटेक्टिव मेजर्स एक्सेस टू एंड फ्लो ऑफ वाइटल मेडिकल सप्लाईज मेडिसिन एंड वैक्सीन देखिए इंडिया आज अगर इंडिया मना कर देता दे देने को तो लोग इंडिया पे कोई प्रेशर नहीं दे इंडिया की कंडीशन लोग समझते कि इंडिया में इतने लोग हैं 130 करोड़ लोगों का जब हमारा देश है ओके तो तब हम लोगों को भी उतना वॉल्यूम चाहिए होगा मेडिसिन का हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का ओके डिस्पाइट ऑफ दैट ओके इंडिया ने इन लोगों को सपोर्ट किया ये सारे स्टेट्स को कंट्रीज को सपोर्ट किया एनकरेज मेंबर स्टेट्स टू वर्क इन पार्टनरशिप विद ऑल रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स to increase research and development funding for vaccines and medicines. Okay, आपको पता है कि काफ़ी सारे countries अभी vaccine ढूंढने के लिए लगे हुए हैं Okay, called to bolster coordination with the private sector towards rapid development, ताकि जितना जल्दी हो सके उतना vaccine ढूंढी जा सके manufacturing and distribution of diagnostics, antiviral medicines, personal protective equipment and vaccines. Adhering to the objectives of efficiency, safety, equity, accessibility and affordability. तो ये सारे जो पैरामीटर्स उनको ध्यान में रख के कोऑपरेटिवली सारे कंट्रीज को काम करना पड़ेगा गवर्नमेंट सेक्टर को और प्राइवेट सेक्टर को मिल के काम
करना पड़ेगा। देखिए अभी अपोजिशन ने एक अच्छी बात उठाई है कि जो भी मेडिकल ड्रग्स है, ओके, जो भी मेडिकल इक्विपमेंट है, मास्क है या एनी थिंग, ओके, जो गवर्नमेंट को COVID-19 के सामने लड़ने में काम आ सकता है, तो ऐसे जो मैन्युफैक्चरर्स है, कंपनियां हैं, उनके ऊपर GST ना लगाया जाए, ताकि सस्ते में उसको कंपनियां गवर्नमेंट को बेच सके। ओके, अर्लियर द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हैड यूनैनिमसली अडॉप्टेड अ रिजोल्यूशन कॉलिंग फॉर इंटेंसिफाइड इंटरनेशनल कोऑपरेशन टू डिफीट द पेंडेमिक दैट इज कॉजिंग सीवियर डिसरप्शन टू सोसाइटीज एंड इकोनॉमी। ये तो अपने को ऑलरेडी पता ही है। ओके, नाउ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली क्या है? द जनरल असेंबली इज द मेन डेलिबरेटिव पॉलिसी मेकिंग एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ओके, और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इज लाइक जिसको हम संयुक्त राष्ट्र महासभा के नाम से जानते हैं, जहाँ हर कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो अपनी बात रखेगा, अगर उसके खिलाफ कोई बात कही जाएगी तो उसको काउंटर करेगा, उसका जवाब देगा ऑन दी ग्लोबल लेवल। ऑल 193 मेंबर स्टेट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस आर रिप्रेजेंटेड इन द जनरल असेंबली, मेकिंग द इन द ओनली यूएन बॉडी विथ यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन। यूनाइटेड नेशंस के ये एकमात्र ऐसी आम है, ऐसी बॉडी है जहाँ पे आपको सारे कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव मिलेंगे। ईच ईयर इन सेप्टेम्बर द फुल यूएन मेंबरशिप मीट्स इन द जनरल असेंबली हॉल इन न्यूयॉर्क फॉर द एनुअल जनरल असेंबली सेशन एंड जनरल डिबेट विच मैनी हेड्स ऑफ द स्टेट अटेंड एंड एड्रेस। आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी वहाँ गए हैं, सुषमा स्वराज वहाँ पे गई है, और उन्होंने वहाँ से हिंदी में अपना लेक्चर डिलीवर किया है। यस, दैट इज द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। डिसीजन ऑन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सच एज दोज ऑन पीस एंड सिक्योरिटी, एडमिशन ऑफ न्यू मेम्बर्स एंड बजटरी मैटर्स रिक्वायर अ 2/3 मेजोरिटी ऑफ द जनरल असेंबली। डिसीजंस ऑन द अदर क्वेश्चंस आर बाय सिंपल मेजोरिटी। ओके, तो देखिए कहाँ पे सिंपल मेजोरिटी और कहाँ पे 2/3 मेजोरिटी जरूरी है, वो आपको यहाँ पे इन दो पॉइंट्स में बाइफरगेट करके दिया हुआ है। द प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली इज इलेक्टेड ईच ईयर बाय द असेंबली टू सर्व 1 year टर्म ऑफ ऑफिस। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए एक सवाल GPSC में पूछा जाता है रिलेटेड टू UNGA, तो आपको ये याद रखना है। ओके, नाउ यू हैव टू टेल मी हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। ओके, हमको हमने पिछली बार जब WHO के बारे में बात की थी तो हमको पता है कि WHO के डायरेक्टर जनरल कौन है। ओके, जो आजकल काफ़ी न्यूज़ में चल रहे हैं ड्यू टू दिस US एंड चाइना वॉर। ओके, यूनाइटेड नेशंस के करंट प्रेसिडेंट कौन है वो आपको मुझे बताना है। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू COVID-19, ह्यूमन एक्टिविटीज रिस्पॉन्सिबल फॉर जूनोसिस। नाउ व्हाट इज जूनोसिस? जो जूनोसिस इज द शॉर्ट नेम फॉर जूनोटिक डिजीज। ओके, तो जो जानवरों से इंसानों में फैलने वाले, एनिमल टू ह्यूमन जो ट्रांसमिट होते हैं जो डिजीज, दोज आर नोन एज जूनोसिस। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम 60% ऑफ ह्यूमन इन्फेक्चुअस डिजीज ओरिजिनेट फ्रॉम एनिमल्स। ओके, और क्यों ऐसा यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम ने कहा है? ओके, सो इट इज द नेम गिवन टू डिजीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन। उसको आप क्या कहोगे? जूनोसिस या तो जूनोटिक डिजीज। इट इज बेस्ड ऑन द ग्रीक वर्ड फॉर एनिमल और सिकनेस। ओके, एंड दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज जूनोसिस। ओके, तो देखिए ट्यूबरक्यूलोसिस है, उसका रूट जो है वो कैटल है। रेबीज जो है उसका जो रूट है वो रेबिड डॉग्स है। अगर कोई कुत्ता ऐसा आपको काटा हुआ है जिसको रेबीज हुआ है, तो आपको भी रेबीज हो सकता है। इबोला फ्रूट बैट्स अफ्रीका में काफी फैला हुआ है। वेस्ट नाइल वायरस, ओके, नाइल नदी के आसपास ये वायरस मिला है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज वेस्ट नाइल वायरस। इन्फेक्टेड मॉस्किटोज की वजह से ये इंसानों में फैलता है। ओके, जिका वायरस, इन्फेक्टेड एडीज स्पीशीज मॉस्किटोज। ओके, तो ये भी उनकी जिका वायरस उनकी वजह से फैलता है। एंड द मोस्ट रिसेंटली नोवेल कोरोना वायरस COVID-19, दैट इज बैट और पेंगोलिन। ओके, पहले तक ये पेंगोलिन की वजह से फैलता है, उसके बाद ये आया कि भाई ये बैट बैट की वजह से फैलता है। ओके, सो ऑल दिस डिजीज, और इसके अलावा भी काफ़ी सारे डिजीज है जो हमको पता है कि भाई
चिकन से फैलते हैं या मीट खाने से फैलते हैं, ओके okay? और क्यों फैलते हैं? ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, ओके। सो ऑन एन एवरेज 1 न्यू इन्फेक्चुअस डिजीज इमर्जेस इन ह्यूमन एवरी 4 मंथ। देखिए कितना रैपिड रेट है इसका, हर 4 महीनों में ऐसा एक वायरस दुनिया के किसी हिस्से में अपने को देखने को मिलता है जो जानवरों से इंसानों में फैला हो, ओके। एवरी 4 मंथ्स, ओके ना, दिस इज वेरी सीरियस थिंग, ओके। आने वाले टाइम में और क्या होगा, वी कैन नॉट से। अ स्टडी बाय अमेरिकन रिसर्चर्स दैट वॉज कंप्लीटेड बिफोर द न्यू कोरोना वायरस आउटब्रेक आइडेंटिफाइज रोडेंट्स, प्राइमेट्स एंड बैट्स आर होस्ट ऑफ 3/4 ऑफ वायरसेस ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस। डोमेस्टिक एनिमल्स ऑल्सो कैरी 50% ऑफ दी जूनोसिस आइडेंटिफाइड। डोमेस्टिक एनिमल्स मतलब क्या है, आपके चिकन है, पिग्स है, ओके, डॉग्स है, कैट्स है, तो ये सारे जो डोमेस्टिक एनिमल जिसको आप आपके आसपास इजीली देख सकते हो, ओके, आपके आसपास जो आप पाए जाते हैं वो जानवर भी आपको इजीली इन्फेक्चुअस कर सकते हैं। इन 2016 द यूएनईपी पॉइंटेड आउट दैट 75% ऑफ ऑल इमर्जिंग इन्फेक्चुअस डिजीजेस, ओके, और वो क्या है, इबोला, एचआईवी, एवियन इन्फ्लुएंजा, जीका एंड सार्स इन ह्यूमंस आर जूनोटिक, ओके। अकॉर्डिंग टू इट दिस जूनोटिक डिजीज आर क्लोजली इंटरलिंक्ड विद द हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम, ओके। और इसकी वजह से कितने लोगों की डेथ होती है, ओके। बियॉन्ड द करंट आउटब्रेक ऑफ कोरोना वायरस द इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम सर्विसेज एस्टिमेट्स दैट जूनोसिस किल्स सम 7 लाख पीपल ईयर, ओके। एक साल में 7 लाख लोग मारे जाते हैं ड्यू टू डिफरेंट काइंड ऑफ जूनोटिक डिजीज, ओके। तो ये एक डेटा आपको ध्यान में रखना है। और क्यों जानवरों में इतने वायरस पाए जा रहे हैं, तो उसका बेसिक आंसर है कि जो एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं, जो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं, दैट इज द रूट कॉज ऑफ दिस। जूनोसिस आर अपॉर्चुनिस्टिक एंड थ्राइव वेयर देर आर चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, चेंजेस इन एनिमल और ह्यूमन पॉपुलेशन दैट सर्व एज होस्ट फॉर सर्टेन पैथोजीन्स और चेंजेस इन द पैथोजीन इट सेल्फ। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हम लोग बदलाव कर रहे हैं जो शायद हम पकड़ भी ना पाए इतना जल्दी, ओके, एंड दैट्स व्हाई वी आर फाइटिंग दिस बैडली विद कोविड-19। इन द लास्ट सेंचुरी अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड रिडक्शन इन इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी एस कल्मिनेटेड इन द अनप्रेसिडेंटेड अपॉर्चुनिटीज फॉर पैथोजेंस टू पास बिटवीन एनिमल एंड पीपल, ओके। हमारी तादाद बढ़ती जा रही है, बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज होती जा रही है, ओके। जैसे लॉकडाउन में आपको पता होगा इंडिया में एंड ग्लोबली काफ़ी सारे सड़कें या शहरों में बहुत पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिला कि जो जानवर ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जंगल में जाने को मजबूर हो गए थे, आज वो खुलेआम सड़कों पे घूम रहे हैं, ठीक है। क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि हम लोगों ने उनका घर तोड़ के वहां अपना घर बना है, ओके, एंड दैट इज द चेंज दैट वी आर मेकिंग इन द एनवायरमेंट, ओके, एंड दैट्स वाई वी आर फेसिंग ऑल दिस चेंजेस। नाउ व्हाट आर सम ह्यूमन लेड चेंजेस इन द एनवायरमेंट बाय अल्टरिंग लैंड यूज, ओके, फॉर सेटलमेंट, एग्रीकल्चर, लॉगिंग, एक्सट्रैक्टिव और अदर इंडस्ट्रीज एंड देयर एसोसिएटेड इंफ्रास्ट्रक्चर ह्यूमंस फ्रेगमेंट एंड एनक्रोच इनटू एनिमल हैबिटेट्स, ठीक है। आज से 10 साल पहले जहाँ जंगल थे, आज वहाँ पे भी आपको सीमेंट की बड़ी बड़ी बिल्डिंग या फैक्ट्रीज देखने को मिलेगी, तो वहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी थी अब वो कहाँ जाएगी, उनको अपनी हैबिटेट छोड़ के कहीं और जगह मूव होना पड़ेगा। हो सकता है कि वो जहाँ मूव हुए वो उनके लिए हैबिचुएटेड ना हो, एंड दैट्स वाई दिस वायरस इज आर डेवलप्ड इन दोज काइंड ऑफ स्पीशीज। डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल बफर जोन्स, क्लाइमेट चेंज, प्रॉक्सिमिटी टू डिफरेंट स्पीशीज, रेजिस्टेंस टू ड्रग्स और डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, ओके। तो जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स है वो ह्यूमन के साथ इजीली कांटेक्ट में होते हैं, ठीक है। शेर को कोई डिजीज हुआ है तो हो सकता है कि वो हम तक ना पहुंचे, क्योंकि शेर मेरे बाजू वाले घर में नहीं रहता, बट हो सकता है कि कुत्ते में अगर या डॉग्स या कैट्स में अगर कोई डिजीज
डिजीज फैलता है तो वो इजीली ह्यूमंस में फैल सकता है, बिकॉज दे आर इन द डायरेक्ट टच विथ ह्यूमंस। ओके, सो ये सारे जो आपको हाईलाइट में जो रीजन दिए हुए वो सारी जो है वो ह्यूमन बेस्ड एक्टिविटीज है जिसने एनवायरनमेंट में इतने चेंजेस किए हैं। ओके, ग्लोबल एक्शन क्या हुआ है इस पे? यूएनईपी, द यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड हंड्रेड्स ऑफ पार्टनर्स अक्रॉस द प्लेनेट हैव लॉन्च्ड अ 10-year एफर्ट टू प्रिवेंट, हॉल्ट एंड रिवर्स द डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम्स वर्ल्ड वाइड। ओके, बट इसका कोई असर होता हुआ हमें नहीं दिख रहा है। नोन एज द यूएन डेकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ओके, और इसको क्या नाम दिया गया है? यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन 2021 टू 2030। दिस ग्लोबली कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स टू द लॉस एंड डिग्रेडेशन ऑफ हैबिटेट्स विल फोकस ऑन बिल्डिंग पॉलिटिकल विल एंड कैपेसिटी टू रिस्टोर ह्यूमन काइंड्स रिलेशन विद नेचर। ओके, सजेशन क्या है इसके लिए? एड्रेसिंग जूनोटिक डिजीज इमरजेंसी रिक्वायर्स एड्रेसिंग इट्स रूट कॉज, प्राइमरीली द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन इकोसिस्टम्स। इकोसिस्टम्स आर इनहेरेंटली रेजिलियंट एंड अडेप्टेबल एंड बाई सपोर्टिंग डाइवर्स स्पीशीज दे हेल्प टू रेगुलेट डिजीजेस। द मोर बायोडाइवर्स एन इकोसिस्टम इज द मोर डिफिकल्ट इट इज फॉर वन पैथोजन टू स्प्रेड रैपिडली और डोमिनेट। ठीक है, तो देखिए हमने ये बायोडाइवर्सिटी में जो वैरायटी थी उसको ही धीरे धीरे हमने खत्म कर दिया है। ठीक है, हम वो जो बायोडाइवर्सिटी चेन के साथ हमने कुछ कुछ बीच में जो कुछ कुछ लेवल्स थे उसको ही हमने खत्म कर दिया है, एंड दैट्स व्हाई दिस वायरसेस आर स्प्रेडिंग दिस रैपिडली। ओके, देयर इज अ नीड टू रिकॉग्नाइज द क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एनिमल एंड एनवायरमेंटल हेल्थ। इट कॉल्स फॉर कोलैबोरेटिव मल्टीसेक्टरल ट्रांसडिसिप्लिनरी एंड इंटरनेशनल एफर्ट्स एंड एनकैप्सुलेटेड बाय द वन हेल्थ अप्रोच। एट लास्ट अ स्ट्रॉन्ग विल इज नेसेसरी। ओके, चलिए ओके। और ये क्या है? इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। ओके, सो इट इज एन इंडिपेंडेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी। ओके, और जो किसके लिए एस्टेब्लिश की गई थी? जो स्ट्रेंथन द साइंस पॉलिसी इंटरफेस फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉन्ग टर्म ह्यूमन वेलबींग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये कहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया था? पनामा सिटी, यूएसए, इन अप्रैल 2012। इट इज नॉट अ यूनाइटेड नेशंस बॉडी। ओके, दिस इज अ इंडिपेंडेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी, सो दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। ओके, और दीज आर सम एग्जांपल्स दैट आई हैव फेच फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस एंड एनवायरमेंट गवर्नमेंट प्रोग्राम की वेबसाइट से मैंने ये लिया है। ओके, कि ये सारे जो आपको दिख रहे हैं भाई, डिफॉरेस्टेशन है, ओके, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो धीरे धीरे हमारा कम होता जा रहा है, क्लाइमेट चेंज जो एक रीजन है, इलीगल एंड पुअरली रेगुलेटेड वाइल्ड लाइफ ट्रेड जो है, सारे सारे कंट्रीज की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, नॉट ओनली इंडिया। ओके, तो इन सारी चीज़ों की वजह से हमको ये जूनोटिक डिजीज धीरे धीरे पिछले कुछ डेकेड में बढ़ते हुए दिखे हैं। ओके, नाउ अनदर टॉपिक रिलेटेड टू COVID-19 इज स्वयं एंड स्वयं प्रभा। ओके, रिसेंटली द यूनियन मिनिस्टर फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हैड हेल्ड अ डिटेल्ड रिव्यू ऑफ द नेशनल ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म स्वयं एंड द 32 डीटीएच टेलीविजन एजुकेशन चैनल्स स्वयं प्रभा। ओके, तो देखिए दिस इज एन इंडिकेशन बाय द गवर्नमेंट कि आने वाले कुछ महीनों तक स्कूल्स, कॉलेजेस एंड जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, ओके, उनको रैपिडली ओपन नहीं किया जाएगा, उनको आफ्टर सर्वे ही ओपन किया जाएगा, वहाँ आफ्टर सर्वे ही चीज़ें बेहतर बनाई जाएगी। क्यों? क्योंकि जो बच्चे हैं, ठीक है, उनकी एज की वजह से उनकी इम्यूनिटी कम होगी और उनको ये वायरस ज़्यादा असर कर सकता है। ओके, और गवर्नमेंट ये रिस्क लेना नहीं चाहती। ट्रांसलेशन टू रीजनल लैंग्वेज ऑल दी स्वयं कोर्सेज, ओके, जितने भी स्वयं कोर्सेज अवेलेबल है एंड स्वयं प्रभा वीडियोज अलग अलग चैनल्स पे टू बी ट्रांसलेटेड टू
10 रीजनल लैंग्वेजेस इन अ टाइम बाउंड मैनर, ओके, ताकि हर कोई घर पे बैठ के इनसे लर्निंग ले सके. एक्सेप्टेंस ऑफ स्वयं क्रेडिट्स, इट हैज ऑल्सो बीन डिसाइडेड दैट यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन दैट इज UGC एंड ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन दैट इज AICT विल फॉलो अप द यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस टू एक्सेप्ट स्वयं क्रेडिट्स. ओके, अगर आप स्वयं के थ्रू भी आपका लर्निंग अगर कंप्लीट किया है तो यूनिवर्सिटीज उसको एक्सेप्ट करेगी ताकि आपका एक सेमेस्टर बिगड़े ना. दिस विल एनेबल स्टूडेंट्स टू डू पार्ट ऑफ देयर कोर्स थ्रू मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज एंड पार्ट इन वेरियस कॉलेजेस. ओके, एंड इंसेंटिव्स टू फैकल्टीज टू एनकरेज फैकल्टी टू प्रोवाइड मोर कोर्सेज अंडर स्वयं. इट हैज बीन डिसाइडेड टू प्रोवाइड मोर अप्रोप्रिएट इंसेंटिव्स फॉर देयर करियर. ओके, ताकि ज्यादा पैसा अगर फैकल्टीज को दिया जाएगा तो वो ज्यादा एंथुजियास्टिकली स्वयं के लिए अपने वीडियोस क्वालिटेटिव वीडियोस प्रिपेयर करेगी. ओके, नाउ व्हाट इज स्वयं? सो स्वयं का पूरा नाम है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स. ओके, एंड इसको लॉन्च किया गया था जुलाई 2017 में. सो दिस इज दी नेम ऑफ स्वयं. ओके, ये भी आपकी GPSC की एग्जाम के लिए इतना ही जरूरी है. स्वयं का पूरा नाम क्या है और नीचे आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे. ओके, विथ माइनर डिफरेंस, आपको यू शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट इट. ये लॉन्च किया गया था जुलाई 9, 2017 को बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट टू प्रोवाइड वन इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म एंड पोर्टल फॉर ऑनलाइन कोर्सेज. ओके, तो ये गवर्नमेंट ये पोर्टल चला रही है ताकि हर कोई अपने घर में बैठ के जो भी उनकी लर्निंग है वो ले सके. दिस कवर्स ऑल हायर एजुकेशन सब्जेक्ट्स एंड स्किल सेक्टर कोर्सेज. देखिए कितना क्या अच्छा काम कर रही है अपनी गवर्नमेंट. ओके, हायर एजुकेशन के सब्जेक्ट और स्किल सेक्टर के जो कोर्सेज उसको इसमें कवर किया गया है. द ऑब्जेक्टिव इज टू एंश्योर दैट एवरी स्टूडेंट इन द कंट्री हैज एक्सेस टू द बेस्ट क्वालिटी हायर एजुकेशन एट द अफोर्डेबल कॉस्ट. ओके, एकेडमिशियंस फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस थ्रू आउट द कंट्री आर इन्वॉल्व इन डेवलपिंग एंड डिलीवरिंग ऑनलाइन कोर्सेज थ्रू स्वयं इन ऑलमोस्ट ऑल डिसिप्लिन्स फ्रॉम सीनियर स्कूलिंग टू पोस्ट ग्रेजुएशन. तो आप जो चाहे वो सब्जेक्ट पे आपको स्वयं प्लेटफॉर्म पे उसके रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. इंफॉर्मेटिव वीडियोस, स्टडी मटेरियल्स आपको वहाँ से मिल जाएंगे. ओके, नाउ व्हाट इज स्वयं प्रभा? इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट टू प्रोवाइड 32 हाई क्वालिटी एजुकेशनल चैनल्स थ्रू DTH अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री ऑन 24/7 बेसिस. हम देखते नहीं है इसको, ये अलग बात है, बट गवर्नमेंट जो गांव के जो बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, या तो कोई किसी वजह से, बीमारी की वजह से या किसी पर्सनल रीजन की वजह से अगर स्कूल में नहीं जा पाता है, ओके, सो दोज स्टूडेंट्स कैन अवेल दिस फैसिलिटी. इट हैज़ अ करिकुलम बेस्ड कोर्स कंटेंट कवरिंग डाइवर्स डिसिप्लिन. हर किसी डिसिप्लिन में ये अवेलेबल है. दिस इज प्राइमरीली एम्ड इन एट मेकिंग क्वालिटी लर्निंग रिसोर्सेज एक्सेसिबल टू रिमोट एरियाज वेयर इंटरनेट अवेलेबिलिटी इज स्टिल अ चैलेंज. द DTH चैनल्स आर यूजिंग द GSAT-15 सेटेलाइट फॉर प्रोग्राम टेलीकास्ट. ओके, नाउ वॉट इज UGC? तो इट केम इन टू एग्जिस्टेंस ऑन 28 दिसंबर 1953 एंड बिकेम अ स्टैच्यूटरी बॉडी बाई एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1956 फॉर द कोऑर्डिनेशन डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचिंग एग्जामिनेशन एंड रिसर्च इन यूनिवर्सिटी एजुकेशन. ओके, तो आपका जो पूरा करिकुलम जो है वो कहाँ से पास हो गया है? आपको जो कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है वो UGC से अप्रूव होकर वो सिलेबस बना है. ओके, द हेड ऑफिस ऑफ द UGC इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली. ओके, आप जब कोई भी किताब भी अगर लोगे तो वहाँ पे UGC अप्रूव सिलेबस का एक सिंबल आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा. ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट स्वयं एंड स्वयं प्रभा. ओके, नाउ नेक्स्ट इज यूनिफाइड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस व्हिच वाज स्केड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 22nd-23rd अप्रैल 2020 हैज बीन पोस्टपोन्ड इन द वेक ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक. ओके, जैसे काफी सारे ऐसे गवर्नमेंट के जो मीटिंग्स थे वो अगर अटमोस्ट इम्पोर्टेंट के नहीं है तो उनको क्या कर दिया गया है? पोस्टपोन कर दिया गया. तो ये जो UCC है, जो यूनिफाइड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, आपको पता चलना चाहिए कि जो तीनों अपनी
आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स जो उनके कमांडर्स की जो कॉन्फ्रेंस थी उसको पोस्टपोन कर दिया गया। इट इज द एनुअल मीटिंग ऑफ थ्री आर्म्ड फोर्स सर्विसेज एंड द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टू प्लान इंडियाज लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी। ओके, और ये क्या है, एनुअल मीटिंग है, वो आपको ध्यान में रखना है, एनुअल मीटिंग। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टू प्लान इंडियाज लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी। इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर डिस्कशंस एट द अपेक्स लेवल ऑन ऑल द जॉइंट इश्यूज एंड एनेबल्स स्टॉक टेकिंग इन द प्रीवियस ईयर एंड प्लानिंग द वे अहेड फॉर द नेक्स्ट ईयर। ओके, सो इसमें आर्मी भी अवेलेबल होगी, एयरफोर्स भी अवेलेबल है एंड नेवी भी अवेलेबल है एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के रिप्रेजेंटेटिव भी अवेलेबल है। तो इनके बीच कोऑर्डिनेशन कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, क्या क्या लैक कर रहा है पॉलिसी में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस होगी। इट इज चेयर्ड बाय द डिफेंस मिनिस्टर हिमसेल्फ, मिनिस्टर ऑफ स्टेट डिफेंस एंड आल्सो अटेंडेड बाय द मिनिस्ट्री टॉप ऑफिशियल्स, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS, ओके, सर्विस चीफ्स एंड सीनियर ऑफिसर्स ऑफ द थ्री सर्विसेज। आई होप कि ये सारे जो पोस्ट मैंने यहाँ पे आपको बताए, करंट टाइम पे वहाँ पे कौन बैठा हुआ है वो आपको पता होना चाहिए। ओके, हो सकता है कि वो भी आपको सीधा सीधा पूछा जा सके भाई अजीत डोभाल क्या है, ठीक है, नीचे और चार या पांच पोस्ट आपको दे दी गई हो। ओके, अगर आपको ये नाम नहीं पता होगा तो आप वो क्वेश्चन मिस कर जाओगे, वो काफ़ी इजी क्वेश्चन हो सकता है। ओके, तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र क्या है, द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र एक्स एज द सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड इज ऑल्सो द प्राइमरी एडवाइजर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ओके, द करंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इज अजीत डोभाल। ओके, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, इट इज अ थ्री टायर्ड ऑर्गेनाइजेशन दैट ओवरसेज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एनर्जी एंड सिक्योरिटी इश्यूज ऑफ स्ट्रेटेजिक कंसर्न। इंडिया फॉर्मड इन 1999 वेयर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी आर डेलिबरेटेड अपॉन बाय इट। NSC acts as an apex body headed by the Prime Minister. तो ये सीधा रिपोर्ट किसको मिलेगा, प्राइम मिनिस्टर को, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। इसीलिए देखिए सारे जो ओवरसीज पॉलिटिकल इश्यूज है, इकोनॉमिक इश्यूज है, एनर्जी के इश्यू है और सिक्योरिटी के इश्यूज है, वो सीधे किसको रिपोर्ट होंगे, प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट होंगे। ओके, इट ऑपरेट्स विद इन द एग्जीक्यूटिव ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लाइजिंग बिटवीन द गवर्नमेंट्स एग्जीक्यूटिव ब्रांच एंड द इंटेलिजेंस सर्विसेज, एडवाइजिंग लीडरशिप ऑन इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी इश्यूज। द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड फिनांस आर इट्स मेंबर्स। ओके, हमने आगे के वीडियोज में भी इसकी डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं कि कौन कौन है NSC में मेंबर्स होंगे। ओके, सो प्राइम मिनिस्टर विल बी द चेयर, होम अफेयर्स आपके जो होम मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, फिनेंस मिनिस्टर है, वो इसके मेंबर्स होंगे। NSC कंप्राइजेज ऑफ थ्री टायर स्ट्रक्चर, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप दैट इज नोन एज SPG, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड दैट इज नोन एज NSAB एंड द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट। ओके, सो द SPG इज चेयर्ड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी, इज द प्रिंसिपल फोरम फॉर इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ द रेलिवेंट इनपुट्स एंड द NSAV अंडरटेक्स लॉन्ग टर्म एनालिसिस एंड प्रोवाइड्स पर्सपेक्टिव्स ऑन इश्यूज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। तो ये हर एक आम का काम है। ओके, और ये जो NSC सेक्रेटरीट है वो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी टास्क है उसको संभालेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, अनदर पॉजिटिव न्यूज रिलेटेड टू COVID-19 इज वाटर क्वालिटी इम्प्रूव इन यमुना। ओके, सो अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय द दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटी, द क्वालिटी ऑफ वाटर इन द रिवर यमुना हैज इम्प्रूव्ड अलोंग द दिल्ली स्ट्रेच कंपेयर्ड टू अप्रैल 2019। और सिर्फ नदियां साफ नहीं हो गई है, देखिए जो गवर्नमेंट इतने सालों से नहीं कर पा रही थी वो लॉकडाउन में एक महीने में करके दिखा दिया है। जो बड़े बड़े शहर थे, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, अहमदाबाद, कलकत्ता, पुणे, दिल्ली, जहाँ पे जो रेड जोन थे पॉल्यूशन के लिए, वो आज ग्रीन जोन में कन्वर्ट हो चुके हैं, क्योंकि रास्ते पे ना कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रहा है, ना गाड़ियाँ चल रही है, ना कोई पर्सनल व्हीकल चल रहे हैं। ओके, सो आपको आसमान साफ दिखाई दे रहा है और पॉल्यूशन आपका कम हो गया है। सो
जो दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी है उन्होंने सीपीसीबी विच इज द सेंट्रल एजेंसी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कैरीड आउट द स्टडी आफ्टर बीइंग आस्क्ड बाय अ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अपॉइंटेड मॉनिटरिंग कमेटी अर्लियर लेस एयर पोल्यूशन एंड इम्प्रूव्ड एयर क्वालिटी वर ऑल्सो नोटिस्ड इन वेरियस सिटीज नॉट ऑन वेरियस सिटीज ऑलमोस्ट इन एवरी सिटी जो पॉल्यूशन है पॉल्यूशन का लेवल जो है वो कम हो गया है. ओके चलिए और डेटा क्या बता रहा है हमको, तो वो थोड़ा बहुत मैंने आपको दिया है, आपको ज़्यादा डिटेल में इसके लिए जानने की ज़रूरत नहीं है. ओके सो डीपीसीसी कलेक्टेड वाटर सैंपल्स फ्रॉम 9 लोकेशंस अलोंग द यमुना एंड 20 लोकेशंस ऑफ ड्रेन्स एंड कंपेयर्ड द डिफरेंट पैरामीटर्स विथ वैल्यूज फ्रॉम अप्रैल 2019. सो अप्रैल 2019 से अप्रैल 2020 में क्या सिचुएशन है उसको कंपेयर किया गया है. ओके अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट द पॉल्यूशन हैव रिड्यूस्ड बिटवीन 18 to 21% at various places. This is related to Yamuna River. 5 locations have shown 18 to 33% reduction in biochemical oxygen demand levels, that is BOD. The rest of the locations have shown slight to considerable increase in BOD levels. Okay, ये BOD level जो है वो आपका science and technology के topic में आपको पूछा जा सकता है. Okay, चलिए. However, the Yamuna has still not met the water quality criteria. देखिए इतने लॉकडाउन के बाद भी वो इतनी साफ नहीं हुए, तो वो कितनी गंदी हो चुकी होगी ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज इंडस्ट्रियल वेस्ट. ओके वो आपको पता चल सकता है यहाँ पे. ओके और उसका रीजन बेसिक क्या है, तो जो लॉकडाउन है उसकी वजह से जो ह्यूमन एक्टिविटीज फैक्ट्रीज जो अपना वेस्ट जो डाल रही थी यमुना रिवर में वो क्या हो गया है, कम हो गया, एंड दैट्स वाई पानी साफ हो चुका है. इंक्रीज फ्लो हरियाणा हैज इंक्रीज दी discharge of water which has also contributed to less pollution due to dilution in of fresh water. तो हरियाणा से जो पानी आया है वो भी दिल्ली का जो यमुना में जो कचरा था उसको डाइल्यूट उसने कर दिया है. ओके ना वॉट इज बी ओ डी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इट इज द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन नीडेड बाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू डीकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर. ना वॉट इज ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर, वेस्ट और पॉल्यूटेंट्स under aerobic reactions. Okay, so जो आपका waste है जो पानी में chemicals जा रहे हैं या human waste जा रहा है उसको पानी में dissolve करने के लिए पानी को जो oxygen जो chemical process complete करने के लिए जो oxygen जरूरी है that is known as biochemical oxygen demand, that is known as BOD. Okay, यह BOD जितना कम होगा उतना ऑक्सीजन कम पानी को चाहिए, पानी को कम उतना ऑक्सीजन चाहिए होगा जब वहां पे पॉल्यूटेंट कम होगा. बीओडी जितना ज्यादा चाहिए, ओके बीओडी जितना ज्यादा होगा वाटर का उसका मतलब ये है कि पानी को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए टू डिसॉल्व दोज ऑर्गेनिक मैटर टू डीकम्पोज दोज ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट, मतलब वहां पे पॉल्यूशन ज्यादा है. द मोर ऑर्गेनिक मैटर देयर इज द ग्रेटर इज द बीओडी एंड द ग्रेटर द बीओडी द लोअर द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन अवेलेबल फॉर हायर एनिमल्स सच एज फिशेस. ओके तो जितना पॉल्यूशन ज्यादा होगा उतना ऑक्सीजन किसके लिए कम जाएगा, जो वाटर बॉडीज जो है फिश या जो भी पानी की जो बायोडाइवर्सिटी है उनके लिए ऑक्सीजन कम मिलेगा. हायर बीओडी लेवल मीन्स दैट मोर ऑक्सीजन इज नीडेड टू डीकम्पोज अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन दी वाटर, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ. सो अ हायर वैल्यू ऑफ बीओडी मीन्स that the water is more polluted. Okay, देखिए अब GPSC आपको क्या सवाल पूछेगी कि अगर किसी नदी में BOD की वैल्यू समथिंग एंड समथिंग है एंड किसी और शहर की नदी में BOD की वैल्यू XYZ है, ठीक है, एक में मान लीजिए 90.90 दिया, एक में 80.90 दिया है, किस नदी का पानी ज़्यादा पॉल्यूटेड है? ओके ऐसा सवाल आपको पूछा जा सकता है एंड दिस इज वेरी कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन. जिसका BOD ज़्यादा होगा वो ज़्यादा polluted है, जिसका BOD कम होगा वो less polluted है. The BOD is therefore a reliable gauge of the organic pollution of a water body. आप सीधे BOD level से पता कर सकते हो कि भाई water pollution का level क्या है. Other of the main reasons for treating wastewater prior to its discharged into a water resources is to lower its BOD. Okay, तो जो हमारे यहाँ वेस्ट वाटर के जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, तो वो नदी में उस पानी को डालने से पहले ही उसमें से जो
हैजार्डियस जो कंपोनेंट है उसको अलग कर दिया जाता है. ओके एंड दैट्स व्हाई, क्यों, क्योंकि उसकी बीओडी कम हो जाए. ओके ताकि जो नदी की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको ज्यादा असर ना हो. टू रिड्यूस इट्स नीड ऑफ ऑक्सीजन एंड देयर बाय लेसन इट्स डिमांड फ्रॉम द स्ट्रीम्स लेक्स रिवर्स और एस्ट्यूटरीज इन टू विच इट इज रिलीज्ड. ओके एंड डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या, इट इज द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द वॉटर विच इज नीडेड फॉर एक्वेटिक लाइफ टू सर्वाइव. ओके अगर सारा ऑक्सीजन मान लीजिए कि ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज करने में यूज हो जाएगा, ओके तो वहाँ पे कोई बायोडाइवर्सिटी होगी नहीं, वहाँ पे कोई मछली नहीं मिलेगी. आपको गटर के पानी में मछली देखने को नहीं मिलेगी, बट साफ पानी में आपको मछली देखने को मिलेगी. सो दिस इज द रीजन. द क्वालिटी ऑफ वाटर इंक्रीजेस विथ एन इंक्रीज इन डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल्स. अ डीओ लेवल ऑफ 5 मिलीग्राम पर लीटर और अबोव इज रिकमेंडेड लेवल ऑफ लेवल फॉर बेदिंग इन द रिवर. ओके चलिए अब यमुना क्या है, ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है. द रिवर यमुना मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गैंजेस, जो हम गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से नियर बंदर पूंछ पीक. ओके इन द मसूरी रेंज ऑफ द लोअर हिमालयास. ओके तो उसका ओरिजिन कहाँ है, यमुनोत्री. ओके गंगोत्री यमुनोत्री, गंगा नदी ओरिजिनेट होती है गंगोत्री से और यमुना नदी ओरिजिनेट होती है यमुनोत्री से. एट द एलिवेशन ऑफ अबाउट 6387 meters अबव मीन सी लेवल इन उत्तरकाशी, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड. इट मीट द गैंजेस एट द संगम, और संगम पे क्या होता है, जहाँ पे कुंभ मेला हेल्ड किया जाता है. ओके कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है इन प्रयागराज उत्तर प्रदेश. ओके आपको मुझे बताना है कि प्रयागराज का पुराना नाम क्या था, जिसको अभी रिसेंटली बदला गया है आफ्टर द योगी गवर्नमेंट इन द उत्तर प्रदेश. ओके प्रयागराज का पुराना नाम क्या था आफ्टर फ्लोइंग थ्रू उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश हरियाणा एंड दिल्ली. ओके तो वो कौन से स्टेट से होकर गुजर दिए, देखिए उत्तराखंड से निकलती है हिमाचल प्रदेश हरियाणा दिल्ली एंड देन इट कम्स टू उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में आके वो कहाँ पे मिल जाती है, गंगा नदी के साथ मिल जाती है. ओके उसकी लंबाई कितनी है, 1376 किलोमीटर, और ये काफ़ी नॉर्थ इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है ये. ओके इंपॉर्टेंट डैम उस पर कौन से है, लक्ष्वर व्यासी डैम जो कि उत्तराखंड में, और तेजा वाला बैरेज डैम हरियाणा में. ओके और इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, चंबल सिंध बेतवा एंड केन. चंबल बेतवा एंड केन आपको देखने को मिलेगी मध्य प्रदेश में. ओके सिंध आपको देखने को मिलेगी पंजाब और हरियाणा वाले रीजियन में. ओके देखिए यहाँ पे मैंने ओरिजिनेट जहाँ से होती है यमुना नदी और कहाँ पे जाके मिलती है वो मैंने आपको बताया है. ओके चलिए और यहाँ पे जाके वो एंड होती है, यहाँ पे आपको कुंभ मेला देखने को मिलेगा. ओके सो आई होप एवरी टॉपिक इज क्लियर अंटिल नाउ. ओके लेट मी नो इफ देर इज एनी डाउट, नेक्स्ट टाइम वी विल continue from here. Thank you. Stay home.